चलो बच्चों, लेट्स सी दी क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं कि द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ दिस स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटो कोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स इन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ए प्रोफेज टू, बी है मेटाफेज टू, सी है एनाफेज टू एंड डी है हमारे पास नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए सेल डिवीजन के बारे में। सो यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? सेल डिवीजन। सो मैं सेल डिवीजन के सारे उनके क्या क्या फेज होते हैं, फंक्शन होते हैं, अगर उस चीज का पता है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है, हमारे पास सेल डिवीजन टू टाइप की होती है। एक होती है माइटोसिस और दूसरी हमारे पास होती है मियोसिस। सो मियोसिस भी फर्दर डिवाइडेड होती है मियोसिस वन एंड मियोसिस टू में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन क्या है, टू के रिलेटेड है। सो हमें मियोसिस टू की यहाँ पर अगर ज्यादा नॉलेज होगी, फोकस इस चीज पे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मियोसिस टू की। तो मियोसिस टू में क्या होता है कि मियोसिस जो वन होती है, मियोसिस वन, उसमें रिडक्शनल डिवीजन के कारण हमारे पास क्या बन जाते हैं, टू डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और ये टू डॉटर सेल्स कहाँ एंटर करते हैं, मियोसिस सेकेंड में, मियोसिस सेकेंड। सो मियोसिस सेकेंड के सेम वही पार्ट होते हैं हमारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट हमारा टीलोफेज। सो इसमें क्या होता है कि जब वो मेटाफेज में एंटर करते हैं, कहाँ एंटर करते हैं, मेटाफेज टू में, वहां जब वो एंटर करते हैं तो हमारे क्रोमोसोम का एक चीज होती है जिन्हें हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। सो ये सेंट्रोमेयर जो होते हैं स्टूडेंट्स, इज अटैच टू द टू काइनेटोकोर। सो इनके अटैच ये कैसे हुए होते हैं, ये होते हैं काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। और जो एक काइनेटोकोर से स्टूडेंट्स, इन पे आके कौन अटैच होते हैं, इन पर जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो आके क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और ये सारा काम कब हो रहा होता है, ये हो रहा होता है हमारे मेटाफेज टू में। सो हमें हमारा राइट आंसर मिल चुका है बी ऑप्शन, मेटाफेज टू इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।